हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी किड्स हैप्पी ईयर्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने अपना डेली रूटीन शेयर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें मैंने बताया था कि अभी करेंटली आई एम वर्किंग ऑन सम किचन DIYs, जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, पर एग्जीक्यूट अब हो रहा है। आई थिंक मैनी ऑफ यू कैन रिलेट कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, पर उसी टाइम सब कुछ नहीं हो पाता है। एंड ऑफ कोर्स हम सब पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पूरा करते करते हम अपनी ही हॉबीज़ पूरा करना भूल जाते हैं। बट कभी कभी अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, एंड मेकिंग सच DIYs इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़। मैंने कुछ किचन DIYs बनाए हैं, जो आई होप आप सबको भी अच्छे लगे। और जो भी मैंने यहाँ बनाया है, वो सब उन चीज़ों से बनाया है जो कि बहुत पुरानी और ख़राब हो गई थी। सो आई थॉट व्हाई टू वेस्ट, उनका कुछ यूज़ किया जाए, तो हियर वी आर। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ आई मेड दीज DIYs। मेरा फर्स्ट DIY ये ओल्ड पैन से है, जो बिल्कुल यूज़ का नहीं था। इसमें फर्स्ट इसे मैंने क्लीन करके इसे पूरा वाइट एक्रेलिक कलर से कवर किया, और फिर 2 to 3 hours के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया, तो यहाँ मैंने लिया एक फ्लावर प्रिंटेड पेपर नैपकिन, और फिर इसे वेट ब्रश की हेल्प से जितना मुझे चाहिए उतना पार्ट वेट बॉर्डर करके उसे टियर कर लिया। एंड रिमेंबर, यहाँ ऐसे पेपर नैपकिन को टियर करना है, सीजर्स या कटर की हेल्प से बिल्कुल कट नहीं करना। अब जहाँ पे हमें ये नैपकिन स्टिक करना है, वहाँ हम थोड़ा ग्लू लगाएंगे और फिर वो नैपकिन का कटआउट पार्ट स्टिक कर देंगे, और उसे हम ड्राई ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्टिक करेंगे, और फिर उसे परमानेंट करने के लिए ऊपर से भी ग्लू लगा देंगे, जिससे वो ईजिली निकल कर बाहर ना आए। और ऐसे ही बचे हुए पीसेस जो मैंने टियर किए थे, वो सब एक एक करके यहाँ पर लगाएंगे। इस होल प्रोसेस को जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसे डीकोपेज कहते हैं, जिससे कि बना हुआ DIY रियल भी लगता है और नहीं भी। यहाँ पर कुछ नैपकिन पीसेस राउंड बॉर्डर पर भी लगा दिए हैं, जिससे कि इसका लुक और भी निखर कर आए। और यहाँ पे मैं इन फ्लावर्स पर ही कुछ मिलते जुलते कलर से और एनहांस कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़े और प्रिंटेड रियल फ्लावर्स दिखें और इस पैन के बैकग्राउंड के साथ कुछ ऐसे स्मच हो जाए। और नेक्स्ट मैंने फ्लावर्स के सेम कलर पिंक से ही बॉर्डर कवर किया है, जिससे ये सब एक ही फ्रेम का पार्ट लगे पूरे बॉर्डर्स के साथ। और फ्लावर्स पेंट के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है ना ब्यूटीफुल। और उसे और भी ब्यूटीफुल और किचन रिलेटेड बनाने के लिए इस पे मैंने लिखा सीजन्ड विद लव, जिससे कि ये और एनहांस होकर दिखने लगा। और इसके हैंडल को भी इसके साथ मैच करने के लिए मैंने नैपकिन कटआउट्स ही यूज़ किए, एंड दैट टू वाज लुकिंग नाइस ऑन इट। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट DIY, जो मैंने बनाया है स्पैचुला से। इन्हें भी मैंने पहले वाइट एक्रेलिक पेंट से कवर किया, बिकॉज यू नो हम कभी भी कहीं भी पेंट या कलर करें, अगर उसका बेस कलर हो एंड स्पेशली वाइट बेस कलर, तो उस पर सारे कलर्स बहुत उभर कर आते हैं, एंड दैट लुक्स टू गुड।
दोनों स्पैचुलास को मैंने डिफरेंट कलर्स से कलर किया और उस पर कुछ कप्स पेंट किए एंड अकॉर्डिंग टू किचन DIY दे वर लुकिंग गुड ऑन इट। दे वर वेरी सिंपल एंड एलिगेंट जो कि मुझे बहुत पसंद है। अपना नेक्स्ट DIY मैं बना रही हूँ इस बोर्ड से जो मेरे बच्चों की किसी ओल्ड गेम का पार्ट है जो कि अब किसी काम का नहीं है। तो इस पर अगेन मैं बेस कलर कर दूँगी और देन इस पर मैंने एक कोट ऐड किया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है एंड दैट टू इज़ रिलेटेड टू अस एंड दैट इज़ मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। Isn't it nice? I really like this coat. You can also use some canvas to make such type of coats, but I already had this board so I used it. और उसके बाद मैंने अगेन यूज़ किया है डीकोपैच प्रोसेस। माय किचन टॉल इज़ समथिंग लाइक दिस और उस पर बने हुए प्रिंट्स मैं अगेन टियर करके इस बोर्ड पे स्टिक करूँगी जिससे कि बोर्ड बन जाएगा समथिंग रिलेटेड टू द कोड विच आई हैव रिटन एंड आल्सो रिलेटेड टू सम मील्स और किचन। And finally, I added and sticked 1 spoon and 1 fork on it, जिससे इससे perfect kitchen DIY बना। Now this last one is a small setup. मेरा एक kitchen corner कब से खाली पड़ा था, so I thought why not to add something there. और ये tray भी मैंने special नहीं खरीदी, ये मुझे किसी crockery के साथ मिली थी, तो I'm using it here. That's all friends. अभी तक के मेरे kitchen DIYs यही है. I hope आप सबको ये अच्छे लगे हों. और अगर अच्छे लगे हैं, तो like करना नहीं भूलना. It really, really means a lot to me. Whatever I make, I share with you all, and I love to do it. And with your likes, I can get a lot of motivation. And yeah, do subscribe this channel if you have not done so, because there are so much more such videos to go that I hope you will like and enjoy it too. And if anyone makes such DIYs, then do share with me on Instagram. I love to see your DIYs as well. So yeah, that's all for today, friends. Bye for now. See you in my next one.